దొంగ డాక్యుమెంట్స్ సృష్టించి మాకు భయభ్రాంతులకు గురి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో కోర్టు ద్వారా నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నోటీసు కూడా మేము కోర్టులో జవాబు చెప్పడం కూడా జరిగింది. అయితే దీంట్లో భాగంగా కోర్టు ద్వారా ఏదైతే ఈ విషయ వ్యక్తుల మీద దౌర్జన్యంకి ఇక్కడికి రాలేకుంటేమి కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి పదజాలము ఉపయోగించి మరి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడినందుకు బాధపడతా ఉన్నాం, చింతిస్తూ ఉన్నాం. గౌరవ చైర్మన్ గారు తన భాషను మార్చుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. आज ग्रीन सिटी वार्ड नंबर 13 में गली गली को एमएलए का प्रोग्राम था, जिसके अंदर हम काउंसलर्स सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे, जिसके अंदर यहाँ पे 2014 के अंदर कोटरी के विजयलक्ष्मी मैडम रहे वक्त काउंसिल को पोस्टपोन करके यहाँ पे ग्रीन सिटी में जो जगह छोड़ा गया था लेआउट के वक्त बोर्ड लगाए पार्क के अंदर काउंसिल मीटिंग को रोक के, और बोर्ड आज भी यहाँ पे मौजूद है. ये पार्क को कब्जा को कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं उन उसको कब्जा करने की कोशिश में हैं, और म्यूनसिपाल्टी को 13 यहाँ के पट्टेदार जो है 13 प्लॉट्स म्यूनसिपाल्टी को दे दिए. सो है ऑलरेडी म्यूनसिपल रिकॉर्ड में म्यूनसिपल एकार्ड बोल के भी है वहाँ पे उसके अंदर रिकॉर्ड में, उसको भी उल्लाह कब्जा करने के चक्कर में है. मजीद और यहाँ के जो प्लाट्स है जो घरा बना के है 13 साल 14 साल 15 साल, वो उसके अंदर उन लोगों को नोटिसेस भेजा रहे हैं. क्या बोल के भेजा रहे हैं नोटिसेस कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है. जो 8 पट्टेदारों में से जो 4 पट्टेदार मर गए, 4 पट्टेदारों के लीगल एड्स को ले लेके उन लोग भेजा रहे हैं, जबकि ये सेकंड 420 रजिस्ट्रेशन कर लेके ऑलरेडी पुराने रजिस्ट्रेशन है लोगों का, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे है. अब ये चीज़ हम लोग एमएलए साहब के सामने रिप्रेजेंट करें वार्ड वालों को ले लेके, तो वार्ड वालों के सामने रिप्रेजेंट करें तो हमारे चेयरपर्सन उसको क्या बोल रहे हैं, अगर तुम लोग ये साबित नहीं करे तो अब चप्पल लेके मारते. अरे भाई चप्पल लेके किसको मारते? आप परिमल आपके शोहर नहीं है, आपके शोहर का बिनामी पुनीत नहीं है, और हमारे दूसरे जने और एक संदीप बोल के उन बिनामी नहीं है. नोटिस के अंदर उनके नामा भी है, नोटिस के उनके अंदर उनका नामा है, उनको क्रॉस वेरीफाई करके आप लोग ये करिए. नोटिस के अंदर उनके नामा है उन लोगों का, वो बोले तो चप्पल निकाल के मारते बोल के बोल रहे. फर्स्ट सिटीजन ऑफ तांडू टाउन रह के चेयरपर्सन, ठीक है आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर तो बोल के बोलना छोड़ के उल्टा चप्पल लेके मार तो बोल के बोल रहे हैं. पब्लिक के पास भी चप्पला है मैडम, आप एक लेडी काउंसलर है, आप एक लेडी चेयरमैन है बोल के यहाँ की पब्लिक खामोश बैठे हुई है. कल के दिन यहाँ पे और औरतों को भी जमा करके हम इस चीज़ को उनके चप्पलों से भी मारा खिलाने के वास्ते हमारे को भी आता, मगर ये काम हमारे बड़े और आबा अजदाद नहीं सीखे. औरत की इज्जत करना हमारा अवलिन फरीजा है, इसलिए हम खामोश बैठे हुए हैं. हम एमपीएलए साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन्हों जो बोल रहे हैं इनको इमीडिएट इनको वहाँ ग्रीन सिटी के जितने भी वार्ड वालों से है इमीडिएट इनको माफ़ी मांगने लगाना है. ये ग्रीन सिटी के तमाम वार्ड वालों की तरफ से रिक्वेस्ट है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. आज एमएलए साहब का गली गली दौरा ग्रीन सिटी वार्ड नंबर 13 में हुआ है, हम उनका खैर मुकदम करते हैं. ये मैं उसको कंडम कर दिया जाए, और जो पहले के जो 99 में जो रजिस्ट्रेशन आए वो सही है बोल के चले गए हैं, हम उनका खैर मुकदम करते हैं, और हम उनका रोहित रोटी साहब का जो है शुक्रिया अदा कर दें. मैं मोहम्मद खालिद ग्रीन सिटी से, मेरा प्लॉट नंबर नीचे में सर्वे नंबर 208 में जो मेरे अपोजिट हरीश कुमार के जो है इसके पीछे जो है बाज़ लोग लगे हुए हैं, और उन लोग का नाम मैं जो है इस तरीके से मैं लेना चाहता हूं. मैं कोर्ट में भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, और मेरे को जो है ये लोग मेंटेलिटी टॉर्चर कर रहे हैं, और मेरे ग्रीन सिटी के काउंसलर साहब को जो है ऑफ़र दिए हैं 1 करोड़ रुपए का, नरेंद्र गौड़ साहब और चेयरमैन के हस्बैंड परमल साहब, ये लोग मिलके जो है मेरे काउंसलर साहब को ग्रीन सिटी के जो है इनको रिश्वत देने की बातचीत हुई है. वो जितने भी सपोर्ट जो है हमारे जो काउंसलर साहब है श्रीनिवास रेड्डी साहब, वो हमारे जो सपोर्ट के लिए चल रहे हैं. यहाँ आज एमएलए साहब का रोहित रेड्डी साहब का जो है गली गली का जो प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर मैडम भी थे, चेयरमैन मैडम, जो हमारे वार्ड के लिए हमारे मेंबरों के लिए जो है गलत अल्फाज हुए हैं ये बात क्लियर होना चाहिए कि कोई बोले, मगर उन्होंने जो है गलत अल्फाज यूज़ किए हैं, चप्पल से जो मारते बोल के जो बात हुई है कॉलोनी वालों से, इस बात के जो है वो लोग पूरे बोल रहे हैं कि उससे माफ़ी चाहने के लिए बात हो रही है. ख़ासकर मेरे अपोजिट जो आ रहे हैं उन लोग के भी नाम मैं आप लोग को बता देता हूँ. हरीश कुमार जो मेरे अपोजिट है, और उसके पीछे 5 लोग जो है, हबीब लाला है, साजिद स्टेट ऑटोमोबाइल्स है, खयूम अथर है, लाइक ये खालिक है, और फिरदौस है, और मतीन है एडवोकेट, ये जितने भी मेरे अपोजिट आ रहे हैं
और इन लोग जो है पीछे से जो है मेरे पर हमला करने की साजिश चल रहे हैं। मैं इस वजह से हमारे MLA साहब से बात रखा हूँ सामने ठहर के, और मेरे को जो है मैं जो बात हक पे हूँ और मेरे को जो है कोर्ट के अंदर में मैं दालेवा हूँ। और एक बात से मैं इस फैसले से करना चाहता हूँ, मेरे को जो है मीडिया के तौर मैं बात रखने की बात कहा हूँ, बस इतनी एक है रिक्वेस्ट जो है मैं MLA साहब के सामने बात रखा हूँ। इंशाल्लाह ताला इस बात पे पूरी मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।